हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और ये वीडियो मुझे पता है आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेक्निकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक चैनल प्रेफर कर रहा हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका नाम है टेक्निकल एम जी स्टाइलिश, आप यहां से टेक्निकल वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, माइन विस राज वर्सेस बेन 10 की इस वीडियो सीरीज़ में आज सेकंड राउंड है, यानी कि दूसरा पार्ट है। तो ये है हीटब्लास्ट और भस्मा के बीच की बैटल। तो देखते हैं अगर इन दोनों की फाइट होती है कौन जीता है। चलो भाई, इंट्रो लगाओ, वीडियो शुरू करनी है। तो दोस्तों, आज की इस बैटल है हीटब्लास्ट वर्सेस भस्मा की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं। और आप दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हीटब्लास्ट की, जो कि बेंटेंस के अकेले ने, तो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज को जानते हैं। तो दोस्तों, हीटब्लास्ट एक एलियन है और इसकी जो स्पीशीज है उसको कहते हैं पायरोनाइट्स। और तो दोस्तों, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज पे एक नज़र डालते हैं कि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली पावर्स एबिलिटीज है कि एक ड्यूरेबिलिटी है, इनहांस ड्यूरेबिलिटी है और इनहांस स्ट्रेंथ है। और दोस्तों, इनका स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा होता है, ये अच्छा रन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ मुद्दा रन नहीं है, तो हमारे सबसे पहले मुद्दा किसी पावर्स का है। तो दोस्तों, इसका फायर कंट्रोल से इनके फायर बार को कंट्रोल करता है, एब्जॉर्ब करता है और रिसोर्स करता है। और सारी पावर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों इस्तेमाल करता है, यानी कि ये फायर बॉल से अटैक्स कर सकता है और यहाँ तक कि अगर कहीं भी आग लगी रही तो आग को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ये अपने दोनों हाथों से फ्लेम थ्रोअर जैसे अटैक्स कर सकता है और जैसे स्टारलाइट पे अटैक कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किसी को भी इसे गर्म करके, हीट करके, बर्न करके उसको पिघला सकता है, किसी भी लोहे और मेटल तक को पिघला सकता है। इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है दोस्तों, और ये उड़ भी सकता है इसी पावर की मदद से, यानी कि अपने फायर पावर को यूज़ कर उड़ भी सकता है। ये ज़मीन के एक टुकड़े को अपना सहारा बना देता है उड़ने के लिए, जिसका ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करता है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी स्पीड उड़ते समय काफ़ी तेज होती है, यानी कि बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो दोस्तों, इसकी वीकनेस ये है, अगर इस पर पानी पड़ जाए तो ये काफ़ी देर तक रिचार्ज नहीं होगा और ये पानी में भी सांस ले सकता है दोस्तों, इसकी ये पावर्स है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भस्मा की। तो भस्मा एक दैवीय पावर्स को रखता है और ये फायर कंट्रोल्स में इसका भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल है दोस्तों। इसका सुपर एबिलिटीज है, सुपर स्टेमिना है और सुपर स्ट्रेंथ है दोस्तों, और सुपर ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि फाइट भी कर सकता है, काफ़ी तेज रन भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन ये उड़ नहीं सकता दोस्तों, इसकी वीकनेस है। ये जंप कर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता दोस्तों। ये फायरबॉल से फायर बॉल्स का अटैक करता है और ये फायर फ्लेम का अटैक नहीं कर सकता दोस्तों। और ये फायर बॉल से ही मैक्सिमम अटैक्स करता है और काफ़ी तेज़ी से रन कर सकता है दोस्तों, लेकिन उड़ नहीं सकता। और अगर ये पानी में गिर जाए तो दोस्तों ये हार सकता है, क्योंकि पानी में ये ना सांस ले सकता है ना ही इसकी पावर्स पानी में काम करती हैं दोस्तों। ये इसकी वीकनेस थी। और दोस्तों, बाकी मैंने आपको इसकी पावर्स बता दी। तो दोस्तों, अब हमारे रिजल्ट पे, रिजल्ट क्या आएगा? तो दोस्तों, इस बैटल में हीटब्लास्ट जीत जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हीटब्लास्ट जीत जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। हीटब्लास्ट क्यों जीतेगा दोस्तों? क्योंकि सुपर एबिलिटी से उड़ सकता है, फायर कंट्रोल को एब्जॉर्ब और रिसोर्स कर सकता है, जबकि जो भस्मा है वो ये सब नहीं कर सकता, उसकी ये वीकनेस है दोस्तों। वो अटैक्स कर सकता है, फायर कंट्रोल भी कर सकता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल कर सकता है पर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आओ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जल्दी आने वाली है। थैंक यू, हैव नाइस डे।